ब्राह्मण बोले, नारी, सौभाग्य की बात तो यह है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण के वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम समय पर चेत गई हो। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव के शरण में जाओ, शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कार्थिक कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पाप की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधिपूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है वह अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता है, उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती है। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती है। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं, इससे वह विशुद्धात्मा पुरुष श्री साम सदाशिव को प्राप्त कर लेता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्य के लिए कल्याण का बीज है, अतः यथोचित मार्ग में इसकी आराधना अर्थात सेवा करनी चाहिए। यह भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन करते हुए निंध्या आसन करना चाहिए, इससे पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ निश्चित ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन से आसक्त है। वह निश्चित ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम इन विषयों से मन हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा, शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी, इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणार बिंदों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है, यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूं। सूत जी बोले, शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गद्यवाणी से बोली, चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं, आप सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु
पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूजी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए हुए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर होने के लिए वहां रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गौकर्ण नामक महाक्षेत्र में स्त्री ने परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई, उसका चित्त शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सद्गुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भली भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे, वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अपवय उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभा वाली दिव्य आभूषण से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे, गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनके सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग क्रांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। पांच मुख और प्रत्येक मुख में तीन तीन नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने बांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पूज्य के समान प्रकाशित हो रही थीं। गौरीपति महादेव जी की क्रांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भ्राषित था, शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्रह्म पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर बड़े प्रेम आदर और आनंद संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में आनंद अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उसी समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि उसके ऊपर डाली। पार्वती जी ने दिव्य रूप धारणी बिंदु प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंदन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौम्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी।